हे गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। और आज मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ मेरा न्यू आईफोन 11 जो मैंने फ्लिपकार्ट पे से ऑर्डर किया है। तो ये सील जो है मैंने ऑलरेडी पहले ही ब्रेक कर दिया था, जस्ट बिकॉज मेरे को उनके सामने ही एक बार चेक करना था कि आईफोन 11 ही है कि नहीं, एटलीस्ट क्योंकि इतनी एक्सपेंसिव चीज़ जब आप ऑर्डर करते हैं तो उनके सामने ही ब्रेक करके एक बार चेक करना अच्छा रहता है। सो इस कुछ ऐसी पैकिंग में आता है ये, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आईफोन 11 ये मैंने ऑर्डर किया है प्रोडक्ट रेड जो इनका आता है आईफोन का। इवन द लोगो इट्सेल्फ भी थोड़ा रेडिश टोन पे है। और ये मैंने जो ऑर्डर किया है वो 64 GB वाला वेरिएंट है। चलिए इसको ओपन करते हैं। यहाँ से इसका ये सील ब्रेक होता है और आपको सिर्फ पुल करना है कुछ इस तरह, एंड देन ये ओके। बॉक्स की क्वालिटी ऑब्वियसली बहुत अच्छी है। देयर यू गो, कुछ इस तरह का आपको दिखता है ये। चलिए ये बाजू में रखते हैं फ़ोन, और इसके साथ आपको मिलता है सिर्फ एक लाइटनिंग केबल जो USB Type-C को सपोर्ट करता है, एंड ऑब्वियसली डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया। कुछ पेपर वर्क मिलता है जो आई एम प्रीटी श्योर ओके। इसके अंदर प्रोडक्ट रेड का एक अलग से मिलता है, और इसमें लिखा है इन पार्टनरशिप विद रेड एप्पल विल कंट्रीब्यूट अ पोर्शन ऑफ योर एप्पल परचेज टू द ग्लोबल फंड टू सपोर्ट HIV/AIDS प्रोग्राम एंड हेल्प डिलीवर एन एज फ्री जनरेशन। ओके, सो बेसिकली ये एज और HIV वालों को सपोर्ट करता है, कुछ इन लोग कंट्रीब्यूट करते हैं उनकी तरफ। और ये बेसिक स्टार्टअप गाइड है, और आपको सिम इजेक्टर मिल जाता है इसमें, और अगेन कुछ लोगोस, वैसे कुछ नहीं, एक ही लोगो मिला मेरे को तो ओके। सब साइड में रखते हैं, और कुछ यहाँ पे है नहीं एक्सेप्ट फॉर द केबल एंड द फ़ोन इटसेल्फ। सो अगेन बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी का है। पीछे आपको दो कैमरास मिलते हैं विद अ फ्लैश, एंड जैसे कि आपने नोटिस किया होगा जो एप्पल का जो लोगो है वो ओल्डर वर्जन्स के अंदर काफ़ी ऊपर होता था, यहाँ पे अब वो हटा के इन्होंने बीच के अंदर कर दिया है। साइड के अंदर यहाँ पे आपको आई थिंक पावर बटन मिलता है, सिम इजेक्टर यहाँ पे है, सिम यहाँ जाता है, वॉल्यूम्स एंड अगेन ऑन एंड ऑफ, ये साइलेंट और उसका है, ये काफ़ी अच्छा दिखता है। मैं अभी ये नहीं निकालूंगा इसके ऊपर से, बट आई ट्राई टू बूट इट अप अगर इसमें कुछ बैटरी है तो ओके। टर्न ऑन फाइनली, सो ये बूट अप हो गया है। Swipe up to open. Being English, India. Bring your current iPhone or iPad near your iPhone to sign up. Set up manually. Continue. इसमें कुछ skip करने का नहीं है, so basically आपको एक Wi-Fi या सिम अंदर डाल के चेक करना होगा। ठीक है, चलिए वो मैं बाद में कर लूँगा। मैं इसका इन डिटेल रिव्यू भी करूँगा लेटर ऑन प्रॉपरली, पहले एक बार केस चढ़ा दूँ ऊपर, एक इसके ऊपर एक और भी यहाँ पे टेम्पर्ड ग्लास या डलवा दूँ। ओके, सो दिस इज़ हाउ इट इज़। रेड कलर में ऑनेस्टली मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी प्रीमियम फील होता है ये हाथ में पकड़ने में। और जो नॉच की साइज़ है वो आज के ज़माने की सबसे काफ़ी बड़ी है, बट जिस तरीके से उन्होंने डिज़ाइन किया है, जब आप एक्चुअली जो हाथ में लगे तो इतना फील नहीं होगा यहाँ पे आपको, तो बहुत अच्छी तरीके से। और जैसे कि आपको खबर, एप्पल का ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छा होता है। इवन दो इसके अंदर अबाउट 4 GB रैम है, बट A13 बायोनिक चिपसेट है इसके अंदर जो कि काफ़ी फास्ट है। तो मैं इसका एक फुल रिव्यू
डेप्थ में भी करूँगा, और इसके अंदर सिंगल सिम ही जाता है, बट दिस हैज़ द कैपेबिलिटी टू हैव अनदर ई सिम एज वेल। इसमें ई सिम भी लगता है, उसका भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा बताने के लिए कि हाउ टू एक्टिवेट इट। और ई सिम जो है वो अभी इंडिया के अंदर दो ही कंपनीज सपोर्ट कर रही है, विच इज़ जियो एंड एयरटेल। सो लकीली मेरे पास वो दोनों अवेलेबल है और मैं दोनों वो ही यूज़ करता हूँ। एज वेल मैं इसके कैमरा का भी आपको इन डेप्थ एक रिव्यू बनाने वाला हूँ कुछ ही दिन में। आई थिंक कल या परसों मुझे इसका एक 20 वाट्स का ओरिजिनल जो चार्जर है वो भी आ जाएगा, जो मैंने अमेज़ॉन से करा हुआ है। स्पीकर ग्रिल्स, चार्जिंग एंड बेसिकली या टिपिकल आईफोन जैसा, काफ़ी स्लिम है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी काफ़ी अच्छा किया हुआ इन्होंने, बहुत ही हैवी भी नहीं है, बहुत लाइट भी नहीं है, बट प्रीमियम फील होता है, इट फील्स वेरी रिच जब हाथ में इसको लेंगे तो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एज वेल एज हिट द लाइक बटन। आपको कोई भी क्वेश्चंस हो इसके रिगार्डिंग तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं आंसर करने की बेस्ट ट्राई करूँगा। ओके, थैंक यू।